नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्त तेवर में ही नजर आई है। इसी कड़ी में यूपी विधानसभा में लव जिहाद से जुड़ा बिल पेश कर पास भी करा लिया गया है। यूपी में लव जिहाद करने वालों को अब पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ सकती है, क्योंकि बिल में अब आरोपियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। इस कानून में कई अपराधों की सजा बढ़ाकर दुगनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी इसमें जोड़े गए हैं। दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामलों में FIR दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा में साफ साफ ऐलान कर चुके हैं कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और महिलाओं के साथ किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी, लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती हैं 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती हैं कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध करी हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामले में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112, इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 2121 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1713 को आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि एक महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वह देश के अंदर नंबर एक पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। अब जो बिल पास हुआ है उसके अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी। नए बिल में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण को लेकर किसी विदेशी या अवैध संगठन से पैसे लेता है
तो उसे कम से कम 7 साल की सजा होगी, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा। नए बिल के मुताबिक अगर किसी नाबालिग, दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर शख्स, अनुसूचित जनजाति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो दोषी को उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी उम्र कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना की सजा होगी। दरअसल योगी सरकार का मकसद शादी की आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन के खेल पर रोक लगाना है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में लव जिहाद करने वालों पर नकेल कसने की चेतावनी भी दे चुके हैं। कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे, छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब ये है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है, और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। हालांकि नए कानून पर सियासत भी शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे, ये नौकरी नहीं देगी। ये हारी भी इसीलिए है क्योंकि इन्होंने नौकरी नहीं दी। ये जिस तरह के काम कर रहे हैं वो फिर हारने जा रहे हैं। सांप्रदायिकता का दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। इस देश से सांप्रदायिकता की राजनीति खत्म होने जा रही है। तो यूपी सरकार के इस लव जिहाद से जुड़े बिल पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।